रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रिकास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी किया करें। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, 1 ग्लास मैंने दूध लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यीस्ट ली है और 1/2 टीस्पून मैंने जो सा है चीनी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ये जो मैं डो तैयार करने जा रही हूँ, ये हम पिज़्ज़े के लिए, चिकन ब्रेड के लिए, चिकन शवारमा के लिए और रोगनी नान के लिए भी ये डो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम जो सा इसमें चीनी, यीस्ट और नमक ऐड कर देंगे और ऑयल मैं अंदाजे से तकरीबन ले रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब, और दूध मैंने जौन सा है नीम गरम दूध लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, हल्का सा इसको मैंने जौन सा ओवन में चक्कर लगवा दिया है तो ये नीम गरम दूध हो गया। पहले हम इन चीज़ों को जौन सा है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम अपना दूध ऐड करेंगे। ये 1/2 कप जो दूध है वो मैं इसमें और ऐड करूँगी, इसको ऐसे से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसे गूंथते हुए, ऐसे ही है इतने अच्छी और ये मज़े की सॉफ्ट सी डो बन गई है। अब जो है इसको मैं रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए और फिर अपना चिकन तैयार कर लेते हैं। हल्का सा इसके ऊपर जो सा ऑयल लगा देंगे। चलें जी, अब बनाते हैं अपना चिकन। और इसके लिए मैंने लिया मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। 2 मैंने जो सा है ये बोनलेस के पीसेस लिए थे चेस्ट के, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। उसके अलावा जो सा है ये 1 टेबल स्पून जो सा है टिक्का मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, 3 से 4 टेबलस्पून इसमें चीज़ क्रीम जाएगी, 1 टेबलस्पून जो सा इसमें मैं ऑयल का डालूंगी। ये डन हो गया, और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं भर के मक्खन लूंगी। मैंने ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि जो सा है मक्खन जो सा है वो जले ना, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं मक्खन को डालती हूँ तो अक्सर मक्खन जो सा है वो जल जाता है। मक्खन को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, मेल्ट हो जाए मक्खन जो सा हमारा मेल्ट हो गया, अब इसमें हम अपने जो सा प्याज है वो ऐड करेंगे, इसको हम गोल्डन जो सा है ब्राउन करेंगे, हम इसको ज़्यादा जो सा है ब्राउन नहीं करेंगे। हमारा प्याज जो सा है वो ब्राउन होता है तब तक हम अपने चिकन को ऐसे ऐसे थ्रेड से बना लेंगे। देखिए जी, हमारा जो चिकन है ये भी अच्छे से हमारे थ्रेड्स बन गए हैं। अब इनको हम चिकन को हम प्याज देखें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे हल्का सा गोल्डन कलर आए तो उसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करके इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, टिक्का मसाला, नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है अभी, पहले कम डालते हैं बाद में फिर टेस्ट करके इसमें और ऐड कर लेंगे। इसमें हम क्रीम ऐड करके इसको मिक्स करना अच्छे से, इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी, अपना आटा चेक करते हैं। चिकन को जौनसा है 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, हमारे आटे पे कितना अच्छा सा खमीर आ गया है, ऐसे इसकी सारी जो सी है एयर हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी, इसको जो सा है हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। इसको हम ऐसे हम बेल लेंगे राउंड शेप में,
ऐसे जैसे रोटी को बेलते हैं ना ऐसे, बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमने इसे, बस इसको बेलेंगे। ये देखें ये शेप आ गई। अब चलिए देखें जी हमारी जो रोटी है बेल दी है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चिकन डालेंगे। यहाँ से इसको उठाया, इसको फोल्ड किया, यहाँ पे हमने जो है ना कटर के साथ ऐसे कट, फिर इसको जो है दोबारा ऐसे कट आ जाएंगे। मैंने ये बेकिंग डिश ली है, इसको मैंने उठाया ऐसे ऐसे इसे बेकिंग डिश में डाल दिया। अब इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसको अच्छा सा रेस्ट मिल जाए, उसके बाद हम जो सा इसे बेक करने के लिए रखेंगे। ये जो सा है बच गया था तो मैं एक और जो सी है फ्लावर स्टाइल में बनाने लगी हूँ। ये जो पहले हमने चिकन ब्रेड रेस्ट पे छोड़ी थी इसको 20 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने ये एक अंडा लिया, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको हम जो सा है अच्छे से इसको इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा देंगे। ओवन को मैंने 15 मिनट जो सा है पहले प्री हीट के लिए रख दिया है। उसके बाद हम ये जो सा है ये अपने वाइट तेल थोड़े से इसके ऊपर हम डाल देंगे और साथ ही ब्लैक तेल। इसको मैं ओवन में रख दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। 30 मिनट हो गए हैं हमारी ब्रेड को, इस पर कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ गया है। अब मैं थोड़ा सा इस पर बटर जो सा है वो ऐसे लगा दूंगी ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट और मज़ीद की बन जाए। 5 मिनट के लिए जो सा मैं फिर कवर करके रख दूँगी। जो हमारी फ्लावर स्टाइल में थी ब्रेड, इसके ऊपर भी हम अच्छे से जो सा अंडा दूध का मिक्सचर है इसको अच्छे से लगा लेंगे। डालें इसके ऊपर भी, इसे मैं दरमियान में ही डाल रही हूँ। काले जलसे हैं वो तेल, वाइट तेल। अब इसको भी जलसा मैं 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक होने के लिए रख दूँ। हमारी ब्रेड जलसी है कितने मज़े की बन गई है, इसका कलर और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है। चलिए अब इसके ऊपर का सा इसी तरह बटर लगा लेते हैं ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। चलिए ये देखें जी हमारी जो सी है चिकन ब्रेड दोनों बन के रेडी हैं। बहुत ही प्यारा इन पे कलर आया है और खाने में यकीनन बहुत ही यमी है। ये आप लोग अफ्तार के लिए भी, आगे रमज़ान आ रहे हैं अफ्तार के लिए भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।